चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मैक्रोनी से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नमकीन। तो आप देख सकते हैं ये हमने छोटी साइज की पतली साइज की मैक्रोनी ली है। अगर आपको मिल जाए तो ये वाली मैक्रोनी आप ले लीजिए। वैसे हर दुकान पे हमें आसानी से मिल जाती है, किसी भी मॉल में आपको मिल जाएगी ये। और अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप ये बड़ी वाली ले लीजिए। बस इस तरीके की होनी चाहिए जो नॉर्मल हम लोग मैक्रोनी बनाते हैं खाने के लिए, वही वाली आप ले सकते हैं। बस मेथड दोनों का एक ही रहेगा, बहुत आसान तरीके से बनता है। तो हमने ये पतली वाली ली है, हम इसे नमकीन बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हमने गैस पर आधा लीटर पानी चढ़ा दिया है और ये अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे, बस ज्यादा नहीं। तेल डालने से मैक्रोनी हमारी आपस में चिपकेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, इसे चला देंगे और इसमें 5 से 6 मिनट तक उबालना है। करीब हमें इसे 80% तक पका लेना है। मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये फूलकर कितनी मोटी हो गई है। अगर आप मोटी वाली मैक्रोनी ले रहे हैं तो इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लें। टोटल हमें इसे 80% तक पकाना है, 20% हमें इसे कच्चा रखना है क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे छन्नी में छान लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम नॉर्मल पानी डालेंगे, ठंडा पानी डाल सकते हैं आप। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके डालने से इसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी और ये जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। बस इसे हम छोड़ देते हैं, पानी अच्छी तरीके से झड़ जाए। मैक्रोनी से अच्छी तरीके से पानी निकल चुका है तो इसे हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हम कुछ चीजें मिलाते हैं। तो इसके अंदर मिलाने के लिए हमने लिया है मैदा और कॉर्नफ्लोर। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, मक्के का आटा। इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डालेंगे कलर के लिए, अगर आपको पसंद हो तो डालें 2 पिंच। इसे मिला लेते हैं, अच्छी तरीके से हमें इसे मिलाना है, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, आपस में चिपके ना रहें। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे छन्नी में वापस डाल देंगे, इससे जो भी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा एक्स्ट्रा होगा वो झड़ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मैक्रोनी को छान लिया है और इसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा आटा था वो निकल चुका है। चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके अंदर मैंने डाला है मूंगफली का तेल, आप कोई भी खाने वाला तेल डाल सकते हैं। तो इसे हम पहले अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, बहुत तेज नहीं गर्म करना है, बस अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। तो एक मैक्रोनी हम डाल करके देख लेंगे। तो अभी तेल हमारा ठीक से गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है और मैक्रोनी हमारी तलकर ऊपर आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मैक्रोनी डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच भर करके डालेंगे। थोड़ा सा और ले लेंगे जितना आसानी से तेल में आ जाए। मीडियम आंच पर इसे हम फ्राई करेंगे, बहुत तेज आंच पर हमें नहीं इसे तलना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें कुरकुरे अच्छी तरीके से तलते हुए इसको नमकीन बनाना है। तो इसे हम चलाते रहेंगे और आंच को मीडियम रखेंगे। तो मैक्रोनी हमारी अच्छी तरीके से तल चुकी है। तो एक निकाल कर हम देखेंगे प्लेट में और इसे तोड़ करके देखेंगे। तो अच्छी तरीके से टूट रही है, इसमें से आवाज भी आ रही है। तो इसे हम निकाल लेते हैं, आंच को धीमा कर देंगे। तो इसे हम निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, बहुत ही क्रिस्पी नमकीन हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरीके से सारी नमकीन को हम तलकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारी मैक्रोनी तलकर तैयार हो गई है, चलिए इसे और चटपटा और टेस्टी बनाते हैं। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो हमने 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे, इससे अच्छा कलर आएगा इसमें।
हमने एक छोटा चम्मच लिया है चाट मसाला, इसे भी डालेंगे। इसे बहुत अच्छा चटपटा स्वाद आएगा इसमें। जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, इसे भी डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच काला नमक है, इसे भी डालेंगे। एक चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर, इसे भी डाल देंगे। और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी नमकीन हमारी बनकर तैयार हुई है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब नमकीन हमारी हल्की सी गर्म हो तभी हमें इसे मिक्स करना है, जिससे सारे मसाले अच्छे से चिपक जाएं। तो अच्छे तरीके से मैंने मसाले को मिक्स कर दिया है नमकीन में, तो क्रिस्पी बना है। इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं, और आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी है। तो ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे हम बाउल में निकालेंगे। तो हमारी मैक्रोनी की नमकीन बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप इस तरीके से नमकीन को बना करके एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें और इसे महीनों खा सकते हैं। चाय के साथ खाइए, या जब भी आपकी इच्छा हो इसे इसी तरीके से ऐसे ही खा सकते हैं। तो खाने में टेस्टी होती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप मैक्रोनी की नमकीन बनाइए, खाइए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी नमकीन कैसी बनी।